आज सीखते हैं इंटीग्रेशन का एक न्यू कॉन्सेप्ट, इंटीग्रेशन और इनवर्स का मिक्सचर इस सवाल में। कि अगर आपको इस तरह का इंटीग्रल मिलता है सवाल, ये जो फंक्शन है अगर आप इसका इनवर्स निकालते हैं तो आपको ये वाला फंक्शन मिलता है। अगर इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है तो आप चेक करेंगे कि एफ ऑफ लोअर लिमिट और एफ ऑफ अपर लिमिट क्या है। तो एफ ऑफ वन अगर आप पुट करते हैं यहाँ पे तो हमारा आंसर निकल के आ रहा है वन, और एफ ऑफ टू अगर इसमें पुट करते हैं तो आंसर निकल के आ रहा है लोग टू नाइन। मतलब टू पुट करने पे आपको लोग टू नाइन मिल रहा है और वन पुट करने पे इस फंक्शन पे आपको मिल रहा है वन। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा शॉर्ट ट्रिक काम करेगा। क्या करना है आपको, अगर इस तरह इंटीग्रल आता है a से b f x plus f of a से f of b f inverse x, तो उसका आंसर होगा b f b minus a f a। इस क्वेश्चन के अंदर इस कॉन्सेप्ट को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, राइट? तो अब b b की वैल्यू क्या है आपके यहां पे 2, तो f of b क्या है, f of b आपका है log 2 9 minus a की वैल्यू क्या है 1 और f of a क्या है वो भी 1। इसको सॉल्व कीजिए तो क्या है log 2 80 बन जाएगा, जब 2 पावर में जाएगा 9 के, माइनस 1 को आप लिख सकते हैं log 2 बेस 2। नाउ सॉल्विंग log 81 / 2 बेस 2, दैट विल बी log 40.5। अब क्वेश्चन में उसका ग्रेटेस्ट डिजिट फंक्शन आपसे पूछ रहा है, ठीक है? तो अगर इसका आप जीएएफ लेते हैं, ग्रेटेस्ट फंक्शन लेते हैं, तो आपका आंसर आएगा यहां से 5।